नंबर वन इंक्लाइन बेंच बारबल प्रेस। इस एक्सरसाइज से चेस्ट का अपर पार्ट टारगेट होता है और फ्रंट शोल्डर को भी इंगेज करता है। इसमें आप एक इंक्लाइन बेंच पर बैक के सपोर्ट से लेट जाए और लोअर बैक में हल्का सा आर्च मेंटेन करते हुए शोल्डर की चौड़ाई से अधिक वाइड ग्रिप से बारबल को चेस्ट के ऊपर पकड़ ले, फिर धीरे धीरे कंट्रोल स्पीड के साथ बारबल को अपने अपर चेस्ट की ओर नीचे लाए और फिर नियंत्रण तरीके से बारबल को ऊपर की ओर प्रेस करें तो अपर चेस्ट को स्क्वीज करें। सही वेट का सिलेक्ट करते हुए इसके आप 3 सेट और 10 से 12 रिपीटेशन करें और हर एक सेट के बाद 1 मिनट का रेस्ट जरूर लें। नंबर 2 फ्लैट बेंच बारबल प्रेस। यह एक क्लासिक कंपाउंड एक्सरसाइज है जो कि आपके मिडल चेस्ट को टारगेट करने के साथ साथ ट्राइसेप और शोल्डर मसल को भी इंगेज करता है। इसमें आप एक फ्लैट बेंच का इस्तेमाल करें तो सबसे पहले आप फ्लैट बेंच पर सीधे लेट जाए और अपने पैरों को जमीन पर मजबूती से टिकाएं, फिर बारबल को अपने चेस्ट के ऊपर शोल्डर की चौड़ाई से अधिक वाइड ग्रिप से पकड़ ले, धीरे धीरे उसे अपने मिडल चेस्ट की ओर नीचे लाए और फिर उसे शुरुआती पोजिशन में ऊपर की ओर प्रेस करे तो चेस्ट मसल को स्क्वीज करें। काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है पूरे चेस्ट मसल में अच्छी पंप लाने के लिए। इसके आप 10 से 12 रिपीटेशन के 3 सेट करें। नंबर 3 डिक्लाइन बेंच बारबल प्रेस। लोअर चेस्ट को अच्छी शेप और साइज को ग्रो करने के लिए डिक्लाइन बेंच बारबल प्रेस एक वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है। इसमें आप एक एडजस्टेबल बेंच को डिक्लाइन लॉक पर सेट करके बेंच पर लेट जाए और बारबल को शोल्डर की चौड़ाई से अधिक वाइड ग्रिप से पकड़ ले, धीरे धीरे बारबल को अपने लोअर चेस्ट की ओर नीचे लाए और उसी स्पीड के साथ उसे शुरुआती पोजिशन में ऊपर की ओर प्रेस करें तो कुछ सेकेंड होल्ड करें। पूरे एक्सरसाइज के दौरान आप स्पीड पर कंट्रोल बनाए रखें। काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। इसके भी आप 3 सेट और 10 से 12 रिपीटेशन करें। नंबर 4 बॉडी वेट डिप्स वी सुपर सेट मशीन फ्लाई। ओवरऑल चेस्ट मसल की डेवलपमेंट के लिए और मसल की तेजी से ग्रोथ के लिए आप अपने रूटीन में सुपर सेट की एक्सरसाइज को जरूर ऐड करें। तो हम इसमें बॉडी वेट डिप्स के साथ मशीन फ्लाई को परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले बॉडी वेट डिप्स को परफॉर्म करने के लिए पैरेलल बार को पकड़कर अपने आप को ऊपर की ओर उठाएं और फिर अपनी एल्बो को मोड़ते हुए अपने बॉडी को तब तक नीचे ले जाए जब तक कि आपका एल्बो 90 डिग्री के एंगल पर ना आ जाए। फिर अपने आप को शुरुआती पोजीशन में ऊपर की ओर लेकर आए। जैसे ही इसके 12 से 15 रिपीटेशन हो जाए तो बिना कोई रेस्ट लिए आप मशीन फ्लाई को परफॉर्म करेंगे, जिसमें आप बैक के सपोर्ट से मशीन पर बैठ जाए और फिर अपनी एल्बो को हल्का सा बैंड रखते हुए मशीन के हैंडल को अपने सामने की ओर एक साथ लेकर आए तो कुछ सेकेंड होल्ड करें। फिर धीरे धीरे हैंडल को फ्लाई की पोजीशन में लेकर आए। इसके भी आपको 12 से 15 रिपीटेशन करना है। इसी तरह से आपको इसके 3 सेट और दोनों एक्सरसाइज के 12 से 15 रिपीटेशन करना है। नंबर 5 केबल क्रॉसओवर। इसे हमारे इनर चेस्ट के बीचों बीच लाइन बनती है जिससे हमारे चेस्ट को वाइडर और आइसोलेट लुक मिलता है। इसे आपको क्रॉस केबल मशीन पर परफॉर्म करना है तो मशीन के दोनों तरफ ऊपरी लॉक पर डी हैंडल को अटैच करके दोनों हाथों से हैंडल को पकड़कर मशीन के बीचों बीच एक कदम आगे बढ़कर खड़े हो जाए। अपनी एल्बो को हल्का सा बैंड रखते हुए हैंडल को अपने सामने नीचे की ओर एक साथ खींचे तो कुछ सेकंड होल्ड करें। फिर धीरे धीरे चेस्ट मसल को स्ट्रेच करते हुए हैंडल को फ्लाई की पोजीशन में लेकर आए। आप इसमें लाइट वेट का ही इस्तेमाल करें। इसके आप 12 से 15 रिपीटेशन के 3 सेट करें। नंबर 6 डंबल पुल ओवर विद सुपर सेट पुशअप्स। फाइनली इस चेस्ट वर्कआउट रूटीन को फिनिश करने के लिए हम इस सुपर सेट एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे जिससे आपकी पूरी चेस्ट मसल में काफी अच्छा पंप बना रहता है। तो हम इस सुपर सेट की शुरुआत डंबल पुलओवर से करेंगे, जिसे करने के लिए आप अपर बैक और शोल्डर के सपोर्ट से एक फ्लैट बेंच पर लेट जाए और दोनों हाथों से एक डंबल को चेस्ट के ऊपर पकड़कर उसे अपने सिर के पीछे से नीचे ले जाए और फिर शुरुआती पोजीशन में ऊपर लेकर आए। जैसे ही इसके 10 से 12 रिपीटेशन हो जाए तो तुरंत आपको पुशअप एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। इसमें आप अपने बॉडी को सिर से एडी तक स्ट्रेट लाइन में मेंटेन रख के और अपने चेस्ट को तब तक नीचे की ओर ले जाए जब तक कि आपका चेस्ट ग्राउंड से टच ना हो जाए। इस सुपर सेट एक्सरसाइज के आपको 3 सेट और डंबल पुल और के 10 से 12 रिपीटेशन और पुशअप एक्सरसाइज के जितने ज़्यादा हो सके उतने रिपीटेशन करना है।